हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन जो है, एज यू कैन सी, इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई रिजल्ट, इफेक्ट किसी का। कोई डिसीजन लिया आपने या कुछ किया, कोई एक्शन किया, कोई डिसीजन लिया, उसका रिजल्ट क्या होगा और उसका इफेक्ट क्या होगा, वो इम्प्लीकेशन कहलाता है। ठीक, ये इंग्लिश मीनिंग है इसका। रीजनिंग में हम इसको कैसे यूज करते हैं, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। शुरुआत हम करते हैं, वी हैव टू स्टेटमेंट्स। एक पी स्टेटमेंट है दैट टुडे इज अ हॉलीडे, आज छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, जैसा कि हम कहते हैं होली, दिवाली, जो भी। टुडे इज अ हॉलीडे। और एक स्टेटमेंट है द स्कूल इज क्लोज्ड। ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनको मिला के मैं एक स्टेटमेंट बना सकता हूं। देखिए कैसे बनाता हूं। कोई आर स्टेटमेंट बनाया मैंने, कंपाउंड स्टेटमेंट। और इफ इफ टुडे इज ए हॉलीडे, टुडे इज अ हॉलीडे, देन द स्कूल इज क्लोज्ड। ये एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, छुट्टी है तो स्कूल बंद मिलेगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन होती है। तो इफ देन का यूज करके मैंने ये कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया विद द गिवन टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू को यूज करके दो स्टेटमेंट्स हैं, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं आप इनको। इनको यूज करके और इफ देन का यूज करके, इफ देन का यूज करके मैंने ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया। इनको इफ देन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। और सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, पी इंप्लाइज क्यू। ये इंप्लीकेशन से रिलेट करता है, पी इंप्लाइज क्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इंप्लीकेशन का मैंने इंग्लिश मतलब बताया आपको कि किसी डिसीजन का, किसी एक्शन का इफेक्ट या रिजल्ट। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होगा, कोई डिसीजन लिया जाएगा या फिर कोई एक्शन किया जाएगा, फिर उसके इफेक्ट की बात करेंगे हम। सो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पहले एक्शन या फिर डिसीजन का वेट करेंगे हम कि वो ट्रू है या नहीं, ओकर हुआ है या नहीं, फिर उसके इफेक्ट की बात करेंगे, उसके रिजल्ट की बात करेंगे। अब कंफ्यूजन कहां पैदा होती है, देखिए इस टाइप के स्टेटमेंट्स में कंफ्यूजन कहां पैदा होती है, हम सोचने लग जाते हैं, हम इस क्यू पार्ट पे ध्यान देते हैं कि द स्कूल इज क्लोज्ड। तो पहला पार्ट कहता है कि इफ देयर इज ए हॉलीडे देन द स्कूल इज क्लोज्ड। बट हम क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं इसमें कि हो सकता है सर किसी दूसरे कारण से स्कूल बंद हो, जैसे आम कुछ छोटे स्कूलों में होता है किसी के स्टूडेंट के दादाजी गुजर गए हों तो भी स्कूल क्लोज हो सकता है, या कोई छोटा मोटा फंक्शन हुआ हो स्कूल में उसके अगले दिन स्कूल क्लोज हो सकता है, या यूं भी हो सकता है कि छुट्टी के दिन भी बच्चों को बुला लिया गया हो पढ़ाने के लिए, या फिर कोई प्रोग्राम है उसकी तैयारी करने के लिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे रीजंस हम आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। बट उन सब चीजों को छोड़ के आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करें कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहता क्या है, ये स्टेटमेंट के ऊपर कंसंट्रेट करें, ये कहता क्या है। ये दो बातें बता रहा है आपको कि एक तो एक्शन है जो कि पी है, और एक उसका इफेक्ट है जो कि क्यू है। तो अगर एक्शन हुआ है तो इफेक्ट कैसे बिहेव कर रहा है, जो रिजल्ट है वो क्या रहा, डिसीजन ले लिया गया है और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो हमें चेक करना है। दूसरा क्या देखना है हमें कि एक्शन नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे बिहेव कर रहा है। दो ही चीजों में ध्यान देना है हमें,
इसकी ट्रुथ टेबल लिखता हूं मैं, देखिए इसकी ट्रुथ टेबल से और ज्यादा हमें क्लियर होगा। यहां लिख देता हूं, ये पी स्टेटमेंट, ये क्यू स्टेटमेंट और ये इन दोनों को मिला के बनाया पी इंप्लाइज क्यू इफ देन स्टेटमेंट, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकते हैं, ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है और ये फॉल्स और ये भी फॉल्स हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज आती हैं दो स्टेटमेंट्स में, ठीक है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होती। अब हमें चेक करना है कि कंपोनेंट स्टेटमेंट के ट्रू एंड फॉल्स होने से जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उस पर क्या असर पड़ता है, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्वाइट सिंपल, यही चेक करना है हमें। देखिए अब जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं वो आपको गिवन है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट आपने बनाया वो इफ देन टाइप स्टेटमेंट है और उसमें क्या है, पहले एक्शन देखना है आपको वो हो रहा है या नहीं और उसका रिजल्ट फिर क्या रहता है वो चेक करना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग इसकी ट्रुथ जो है वो एस्टेब्लिश होगी। सो पहले देखिए, पी ट्रू है, पी ट्रू होने का मतलब क्या है कि टुडे इज अ हॉलीडे, आज छुट्टी है और एज एक्सपेक्टेड छुट्टी के दिन स्कूल भी बंद होना चाहिए और वो स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्यों भी ट्रू है, द स्कूल इज क्लोज्ड, आज छुट्टी है, तो आज छुट्टी है वो एक्शन हो गया और स्कूल क्लोज्ड है वो रिएक्शन हो गया और दोनों ट्रू है तो इफ देन स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू है। गॉट इट। एक्शन देखिए पहले, एक्शन जो है वो ट्रू है, रिएक्शन जो है वो भी ट्रू है, तो एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी क्या है आपका, ट्रू है, यानी कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो भी आपका ट्रू है। यही हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर हॉलीडे हो तो छुट्टी होनी चाहिए, स्कूल बंद होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, पी ट्रू है, पी ट्रू है यानी आज हॉलीडे, बट क्यू फॉल्स है, यानी कि स्कूल बंद नहीं है, स्कूल में छुट्टी नहीं है, स्कूल में क्लासेस लग रही हैं, आज स्कूल ओपन है, तो एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू आवर कंपाउंड स्टेटमेंट इफ देन स्टेटमेंट होना क्या चाहिए था कि अगर हॉलीडे है तो स्कूल क्लोज होना चाहिए था, बट स्कूल क्लोज नहीं है, हॉलीडे है बट स्कूल क्लोज नहीं है, तो हमारा इफ देन स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हो गया या नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हॉलीडे है तो स्कूल क्लोज होना चाहिए था, बट स्कूल क्लोज नहीं है, तो हमारा इफ देन स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, जिसने भी स्टेटमेंट दिया ये गलत प्रूव हो गया, ठीक, सिंपल इनफ। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या है कि पी फॉल्स है, पी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यानी हॉलीडे नहीं है आज, टूडे इज नॉट अ हॉलीडे, तो आप खुद सोचिए आप स्कूल के बारे में क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या कंफर्म होके क्या कह सकते हैं आप, स्कूल बंद होगा या खुला होगा, सोचिए थोड़ा, दो चार सेकंड इसके बारे में सोचिए कि हॉलीडे नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि स्कूल खुला है या नहीं है, आप कुछ नहीं कह सकते उस बारे में। आपका जो डिसीजन वाला पार्ट है, जो एक्शन वाला पार्ट है, वही फॉल्स है, तो आप रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते वो क्या होगा। तो इफ देन स्टेटमेंट जो हमारा है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसको क्या लिखें फिर हम, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। क्यों ट्रू, क्योंकि उसकी ट्रूथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एक्शन वाला पार्ट, डिसीजन वाला पार्ट ट्रू होता तो हमारा चेक करना बनता था कि देखते हैं आज छुट्टी है और स्कूल क्लोज मिलता है या ओपन, ठीक है। अगर छुट्टी ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कह सकते और आपका स्टेटमेंट जो है, कंपाउंड स्टेटमेंट जो है, इफ देन स्टेटमेंट जो है, वो अब भी वैलिड है, क्योंकि छुट्टी ना होने पे स्कूल क्लोज होगा या ओपन होगा उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, जो इफ देन स्टेटमेंट है, वो स्टिल वैलिड है,
ट्रू है, ट्रू। लास्ट ऑप्शन बच जाता है हमारे पास कि पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है, यानी कि आज छुट्टी भी नहीं है और स्कूल भी क्लोज नहीं है, छुट्टी भी नहीं है और स्कूल भी क्लोज नहीं है। तो ये ट्रू इफ देन स्टेटमेंट, अब जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसके बारे में हम क्या कहें, वो फॉल्स है या ट्रू है। तो देखिए, जो इफ देन स्टेटमेंट है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपका, वो क्या कहता है कि इफ टुडे इज अ हॉलीडे, तो हम चेक कब करेंगे उसको, जब हॉलीडे होगा। आज हॉलीडे नहीं है तो स्कूल क्लोज हो या ओपन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो द स्कूल इज क्लोज्ड, स्कूल क्लोज है, बट उससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि हमारा जो डिसीजन वाला पार्ट है, जो एक्शन वाला पार्ट है, वही गलत है। तो स्कूल ओपन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना हमारे स्टेटमेंट पे, क्योंकि हम अब उस क्राइटेरिया से इसको चेक ही नहीं कर रहे। तो ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। हमारा स्टेटमेंट इफ देन स्टेटमेंट अब भी वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि हम उसको अप्लाई ही तब करेंगे जब हॉलीडे होगा। अगर हॉलीडे नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फॉल्स कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम उस क्राइटेरिया से चेक ही नहीं करेंगे, वो स्टिल वैलिड है। उसकी इनवैलिडिटी के लिए हम कब चेक करेंगे, जब हॉलीडे है और स्कूल आपका क्लोज्ड नहीं है, तब वो एक केस है जिसमें वो फॉल्स होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं हम, देखिए, एक स्टेटमेंट पी है, यू आर बोर्न इन सम कंट्री, क्यू स्टेटमेंट है, यू आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। सो इन दोनों को मिला के हमने कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया आर, इफ यू आर बोर्न इन सम कंट्री, यू आर यूजिंग इफ देन, If you are born in some country, then you are a citizen of that country. ये हमारा compound statement है, if then statement है। अब इसको हम check करेंगे कि ये valid है या नहीं, किन किन conditions में ये true होगा, valid होगा, और किन conditions में नहीं। तो मैं फिर से truth table बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये P है, ये Q है, और ये अपना R statement है, जिसको कि हम P implies क्यू बोलते हैं, या इफ पी देन क्यू स्टेटमेंट बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट अपना, ठीक है। सो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, देखिए, कंडीशंस हो सकती हैं कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और ये फॉल्स है, और ये ट्रू है, या अपोजिट लिख दिया मैंने, पहले मैं ये लिख देता हूँ, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, और दोनों फॉल्स है, ठीक है। सो इस सीक्वेंस में लिख रहा हूं, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं। चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करूं मैं कि पी ट्रू है, पी ट्रू है यानी यू आर बोर्न इन सम कंट्री, और क्यू भी ट्रू है, यू आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। सो अपना कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, बिल्कुल जायज बात है भाई, जिस कंट्री में पैदा हुए हो उसके सिटीजन हो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपका स्टेटमेंट पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो आर भी आपका क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, ओके। अब पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, आप उस कंट्री में पैदा हुए हैं, तो आपका एक्शन वाला पार्ट, डिसीजन वाला पार्ट ट्रू है, बट रिएक्शन और इफेक्ट जो है वो ट्रू नहीं है, तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। वे पैदा तो हैं कंट्री में पर उसके सिटीजन नहीं है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी रह गई हो, डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी रह गई हो, किसी को मालूम ही ना हो, वट एवर बी द रीजन, ठीक है। सो एक्शन वाला पार्ट, डिसीजन वाला पार्ट आपका ट्रू है, बट उसका रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस है, तो इफ देन स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट है आपका वो फॉल्स हो गया। सबसे लास्ट वाला देखिए, पहले मैं यहां जंप करता हूं क्योंकि ये सिंपल आंसर है, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कि फर्स्ट पार्ट आपका फॉल्स है, पी फॉल्स है, यानी कि यू आर नॉट बोर्न इन दैट कंट्री एंड यू आर नॉट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, सिंपल बात, जिस देश में पैदा नहीं हुए उसके सिटीजन भी नहीं है, ठीक है। तो
इसमें फिर स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ट्रू या फॉल्स? स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। अब यहां कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि पहला भी फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो आप इसको ट्रू कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि इस इफ देन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सोचिए आप, हमारी कंडीशन क्या है कि आपको उस देश में पैदा होना है तभी आप उसके सिटीजन होंगे, तो अगर उस देश में पैदा नहीं हुए तो उसके सिटीजन भी नहीं है, सिंपल सी बात है। जो डिसीजन है जो एक्शन है वो क्या है, पहले कि उस कंट्री में पैदा हुए हैं आप तभी आप उसके सिटीजन हो सकते हैं, अगर उस कंट्री में पैदा नहीं हुए तो उसके सिटीजन भी नहीं है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका स्टेटमेंट जो है वो अब भी क्या है, ट्रू है, वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको यूं सोचिए आप कि आपका एक्शन और डिसीजन वाला पार्ट ही ट्रू नहीं है तो रिजल्ट वाला पार्ट, कंक्लूजन वाला पार्ट ट्रू हो फॉल्स हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम चेक ही नहीं करेंगे आगे, चेक करने की ही जरूरत नहीं है हमें इफ देन स्टेटमेंट में, ठीक है, वो आपका हमेशा ट्रू होगा। क्योंकि उसकी वैलिडिटी कब चेक करेंगे हम, डिडक्टिव रीजनिंग अगर आप पढ़ते हैं तो पहले एक्शन जो है उसको होने दीजिए फिर हम उसका रिजल्ट देखेंगे, तभी स्टेटमेंट हमारा वैलिड या इनवैलिड प्रूव हो सकता है। एक्शन ही नहीं हुआ तो रिजल्ट वैलिड हो इनवैलिड हो ट्रू हो फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपके स्टेटमेंट पे, ठीक है, सो वो हमेशा ट्रू रहेगा। अब देखते हैं ये वाली कंडीशन कि पी फॉल्स है, आप उस कंट्री में बोर्न नहीं हुए बट क्यू जो है वो ट्रू है, यू आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो ऐसा बहुत केसेस में होता है, ठीक है, कुछ माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ इमिग्रेट कर जाते हैं और दूसरी कंट्री में रहने लग जाते हैं और वहीं के सिटीजन हो जाते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देती है कुछ रिफ्यूजीज को, वट एवर बी द केस। तो उसमें पैदा नहीं हुए बट उस कंट्री के सिटीजन है, तो क्या हमारा स्टेटमेंट जो है कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स होना चाहिए इस केस में, क्योंकि पहला पार्ट जो है एक्शन वाला पार्ट डिसीजन वाला पार्ट वो तो फॉल्स है और सेकंड ट्रू है, तो ये तो बिल्कुल अगेंस्ट हो गया। नहीं, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है हमारा वो अब भी क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है मैं बताता हूं रीजन आपको। देखिए, जो एक्शन वाला पार्ट है डिसीजन वाला पार्ट है वो फॉल्स है, तो उसका रिजल्ट कुछ भी हो इफ देन स्टेटमेंट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, वो अब भी वैलिड है। सिटीजन है या नहीं है वो कब चेक करेंगे हम, जब वो उस कंट्री में बोर्न हुआ है। अगर वो बोर्न नहीं हुआ तो वो उस कंट्री का सिटीजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वी डोंट केयर। आवर स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, आवर इफ देन स्टेटमेंट डजंट केयर अबाउट दैट कंडीशन, वो स्टिल वैलिड है, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि देखो जब ये एरो हम लगाते हैं ना, ये जो एरो लगा रखा है कि इफ पी देन क्यू, ये एक रिवर फ्लो की तरह सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करता कि अगर ये ट्रू है तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या ये फॉल्स है तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना स्टेटमेंट पी पे, आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना स्टेटमेंट क्यू के ट्रू और फॉल्स होने से, पी के फॉल्स और ट्रू होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, वो उसको इफेक्ट नहीं करता, उसकी वैलिडिटी हम चेक नहीं करेंगे। हम सिर्फ कहां चेक करेंगे कि अगर पी है तो फिर क्यू कैसे बिहेव कर रहा है, सिर्फ वो चेक करेंगे। ये इंप्लीकेशन जो है ये सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट है, अगर पी है तो ही हम फिर क्यू को चेक करते हैं कि वो क्या बिहेव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना जो आर कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी वैलिडिटी एस्टेब्लिश करते हैं। तो क्यू अगर ट्रू है या फॉल्स है उसको ध्यान में रख के हम पी को चेक नहीं करेंगे, नेवर, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा कभी भी, सिंपल, इतना समझिए आप कि इफ पी देन क्यू, नथिंग एल्स। क्यू इंडिविजुअली क्या कर रहा है हमें नहीं मतलब,
अगर P ट्रू है, जो एक्शन है वो हो चुका है, जो डिसीजन है वो लिया जा चुका है, तो फिर हम उसके इफेक्ट की बात करेंगे, नहीं तो नहीं।